अस्सलाम कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्लाह ठीक ठाक आप ठीक है अल्लाह का शुक्र। अपन तो ये बताएं कि कैसे चल रहे हैं रोजे, रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपको? अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन अभी तक तो, अल्लाह आगे भी बेहतरीन होगी। अच्छा अपन भाई ये बताइए कि इफ्तारी के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाना? पकौड़े। अच्छा अम्मी के यहाँ पसंद है या फिर बाहर की इफ्तारी? नहीं बाहर की तो बिल्कुल भी नहीं, प्लस हमारा ये है कि शूज की वजह से हमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है तो बाहर के खाने खा खा के वैसे ही हम तंग आ चुके होते हैं, तो घर की कोई सिंपल सी दाल भी मिल जाए ना मेरे, मैं तो उसको प्रेफर करता हूँ बाहर के खाने। अच्छा आज आपने शहरी में क्या खाना खाया? क्या मैंने पराठा एंड दही, ये मेरा एक स्टेपल फूड है रमजान में शहरी के लिए। ओके और ये बताएं कि रमजान में रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह चलते हैं? रूटीन थोड़ी सी तो ऑब्वियसली अपसेट होती है, लेकिन अब आप बाहर दुनिया में ये लॉजिक तो नहीं दे सकते ना या रीजन कि मेरा रोजा है तो मुझे ये लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो शायद रोजे की स्पिरिट भी यही है कि आप अपनी जिंदगी के काम वैसे ही करें, रोजे की आड़ मत लें, कोशिश तो यही होती है बस। और आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को, पाकिस्तानियों को? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नफ्सा नफसी का आलम हो चुका है इस दुनिया में, घबराहट इतनी बढ़ चुकी है, बस हमें अब खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इबादत की तरह, बिकॉज जब उससे अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और जितना शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का।